तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की बिगेस्ट कॉमेडी फ्रेंचाइज के बारे में, जिसका नाम है हाउसफुल 5। जी हाँ दोस्तों, हाउसफुल फ्रेंचाइज एक बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइज बन चुकी है हमारी इंडियन सिनेमा की कॉमेडी के मामले में, जिसमें लीड रोल में हमेशा आपको अक्षय कुमार सर देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल ये अक्षय कुमार सर की ही फिल्म होती है, लेकिन साथ में सपोर्टिंग कास्ट भी हमको काफी ज्यादा एंटरटेन करते हैं। तो दोस्तों साजिद नडियाडवाला इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं और डायरेक्टर होंगे तरुण मनसुखानी। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें इसकी रिलीज डेट दिवाली 2024 बताई जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, जिसे एक्सटेंड कर दिया गया है, थोड़ा सा पुश कर दिया गया है, और नई रिलीज है जून 2025। जी दोस्तों, 6 जून 2025 को अब आप ये हाउसफुल 5 फिल्म देख पाओगे। तो काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा, लेकिन इसके पीछे का रीजन भी साजिद नडियाडवाला ने क्लियर कर दिया एक स्टेटमेंट से, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, साजिद नडियाडवाला ने कहा है कि हाउसफुल फ्रेंचाइज ने आपको बहुत ही ज्यादा एंटरटेन किया है, उसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है पब्लिक की तरफ से। तो हम चाहते हैं कि जो इसका 5वां पार्ट है वो भी बहुत ही धमाकेदार होना चाहिए, बहुत ही कॉमेडी से भरपूर माइंड ब्लोइंग होना चाहिए। उसके लिए हमने जो कास्ट है उसको भी क्राफ्ट कर लिया है, और स्टोरी भी बहुत ही अच्छी हमको मिल चुकी है। और वो स्टोरी ऐसी है कि वो अपने आप में एक बहुत ही शानदार VFX डिमांड करती है, मतलब उस स्टोरी में VFX का ज़्यादा यूज़ होने वाला है, और काफ़ी अच्छे लेवल का करना चाहते हैं वो। तो वो यही कहना चाहते हैं कि हम इसीलिए थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करें, ताकि हम बहुत ही टॉप नॉच लेवल का VFX दे सके, ताकि आप कॉमेडी के साथ बहुत ही अच्छा सिनेमेटिक एक्सपीरियंस भी कर सको फिल्म में। तो दोस्तों ये रीज़न था साजिद नडियाडवाला का। तो काफ़ी अच्छा इनका डिसीजन है, भले ही देर से बनाओ लेकिन फिल्म ऐसी बननी चाहिए कि लोग याद रखें उसको सालों साल। तो दोस्तों हाउसफुल 5 अक्षय कुमार के करियर की बहुत ही बड़ी फिल्म होने वाली है, और बहुत ही शानदार कैरेक्टर भी इस फिल्म में आने वाले हैं। हमने कुछ न्यूज़ सुनी थी, लेकिन वो पूरी तरह से क्लियर होगी फिर हम आपको बताएंगे उसके बारे में। तो अब तो नई डेट आपको सामने दिख चुकी है, 6 जून 2025, तो अब उसी डेट पे रिलीज होने वाली है। इसमें काम चलेगा, VFX का दमदार काम चलेगा, और फिल्म को काफ़ी अच्छी तरीके से वो डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो ओवरलुक निकल के आए, क्योंकि हमेशा VFX से शिकायत होती है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, स्पेशली यही कंप्लेन आती है VFX के नाम पे। या तो फिल्म को डाउनग्रेड कर देते हैं, फ्लॉप करवा देते हैं, या तो कुछ पर्सनल किसी एक्टर से दुश्मनी निकाल के। तो दो मेजर रीज़न होते हैं कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी करके फिल्म को फ्लॉप करने का। तो इसीलिए वो बहुत ही शानदार VFX देना चाहते हैं इस फिल्म को। तो अब ये समझ चुके हैं कि फिल्म किस लेवल की बननी चाहिए, तो अच्छी बात भी है, इन्हें भी सुधार करना चाहिए फिल्मों में। तो बहुत ही अच्छा है कि डिसीजन लिया इन्होंने। डायरेक्टर भी इस बार तरुण मनसुखानी है, काफ़ी डिफरेंट फिल्म बन के आएगी, क्योंकि डायरेक्टर चेंज हो चुके हैं, और जो डायरेक्टर आप नहीं चाहते तो डायरेक्टर है नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो यही रिलीज डेट है। तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इस फिल्म को लेकर, अपनी राय कमेंट करके बताइए, और नई डेट पोस्टपोन होना आपको सही लगता है गलत, ये भी आप बता सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी न्यूज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है AGF मीडिया, मैं अभिषेक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अक्षय कुमार के फैन वीडियो को जो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।